हेलो स्टूडेंट, टुडे इन आवर कंप्यूटर साइंस पेपर सेकंड्स फिफ्थ चैप्टर नेटवर्किंग एंड टेक्नोलॉजी, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वायरलेस मीडिया। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द वायर्ड मीडिया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वायरलेस मीडिया। नाउ इन दिस वायरलेस मीडिया वी आर गोइंग टू सी अबाउट व्हाट इज रेडियो वेव। इन रेडियो वेव आर इजी टू जनरेट, they can travel long distance and can penetrate building easily. okay, यहाँ पे जो भी radio waves होते हैं ये building के अंदर से भी जा सकते हैं। hence radio waves are widely used for both indoor and the outdoor purpose. okay, यानी अंदर भी और बाहर के लिए भी हम लोग radio waves वहाँ पे use कर सकते हैं as a wireless media for traveling the our communication or for the networking purpose. Radio waves are omnidirectional, that is the waves travel in all the direction in the free space, so that there is no need to place the receiver or the transmitter along a direction in a straight slide. okay, यहाँ पे ओमनी डायरेक्शन में होता है हमारा रेडियो वेव, यानी कहीं पर भी वो ट्रैवल कर सकता है फ्रीली, इसलिए रिसीवर और ट्रांसमीटर ये एक लाइन में रखने की जरूरत नहीं होती है, कहीं पर भी हम लोग वहां पे रख सकते हैं। रेडियो वेव कम्युनिकेशन हैज वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजेस दैट आर यूटिलाइज फॉर वेरियस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होती है जो अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। रेडियो वेव लार्ज डिस्टेंस में कवर होता है। उसके बाद में इंटरफेस बिटवीन यूजर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर कोई यूजर अगर आ जाता है तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। For this reason, government license is necessary to transmit radio waves. यहाँ पे इसलिए government ने एक license रखा हुआ है to transmit radio waves अगर transmit करना है तो। The major drawback is that it may be disturbed by rains. यहाँ पे rain की वजह से यहाँ पे disturbance होती है, bounce back हो सकता है तुम्हारा कोई obstacle अगर आता है तो। इट ऑफर्स लो बैंडविड्थ, कम बैंडविड्थ होता है इसलिए डेटा कम्युनिकेशन फास्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है वायरलेस में वो आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर नैरो फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल द एनर्जीज इन टू बीम। ओके, फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग द एंड रिसीविंग एंटीना शुड बी एक्यूरेटली अलाइन। जो भी हमारे माइक्रोवेव जो भी ट्रांसमिट करता है उसके जो एंटीना होता है वो एक्यूरेटली अलाइन होना चाहिए। डायरेक्टली अलाउ मल्टीपल ट्रांसमिटर अलाइनिंग इन अ रो टू कम्युनिकेट विथ मल्टीपल रिसीवर लीनियर इन अ रो विदाउट इंटरफेस। विदाउट इंटरफेस वहां पे लीनियरली वो अरेंज होना चाहिए। सिंस माइक्रोवेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस पीरियोडिकली रिपीटर्स आर नेसेसरी। यहाँ पे एक ही लाइन में तुम्हारा माइक्रोवेव ट्रैवल करता है इसलिए यहाँ पे कोई ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस के बाद में वहां पे हमें रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है जो वहां पे सिग्नल ड्रॉपिंग अगर स्टार्ट होता है तो। अनलाइक रेडियो एट लो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स कैन नॉट बी पेनिट्रेट द बिल्डिंग। यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी की वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, कैन नॉट पेनिट्रेट। नेक्स्ट होता है इंफ्रारेड एंड द मिलीमीटर वेव्स। अनगाइडेड इंफ्रारेड एंड मिलीमीटर वेव्स आर वाइडली यूज फॉर द शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर छोटे कम डिस्टेंस का अगर कम्युनिकेशन अगर करना है तो इंफ्रारेड और मिलीमीटर वेव्स हम लोग यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल्स यूज ऑन टेलीविजन VCRs आर ऑल आर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। जो भी हम लोग टीवी रिमोट और VCR के रिमोट होते हैं ये सब इंफ्रारेड से वर्किंग होता है। देयर आर रिलेटिवली डायरेक्शनल, चीप एंड ईजी टू जनरेट। ईजिली जनरेट होता है, चीप होता है। मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस वेव्स इज दैट
दे कैन नॉट पास थ्रू एन सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट्स के अगर कोई ऑब्स्टेकल अगर आता है तो उसके अंदर से पास नहीं कर पाता है। एज इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स दैट एन इंफ्रारेड सिस्टम ऑपरेटिंग इन वन रूम विल नॉट इंटरफेयर विथ अदर इंफ्रारेड सिस्टम ऑपरेटिंग इन एडजेसेंट रूम और एनी अदर रूम। फॉर दिस रीजन नो गवर्नमेंट लाइसेंस इज नेसेसरी टू ऑपरेट द इंफ्रारेड सिस्टम। ये एक ही रूम के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर ही ट्रैवल करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। वायरलेस लैन यूज वन ऑफ द ट्रांसमिशन मेथड। यहाँ पे जो भी वायरलेस लैन हम लोग जब भी यूज करते हैं तो यहाँ पे एक मेथड यूज होता है, कोई भी एक मेथड, उसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट है इंफ्रारेड, लेजर, नैरो बैंड रेडियो वेव और माइक्रोवेव। ये हम लोग वायरलेस लैन के लिए हमारे कंप्यूटर के कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इन इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इंफ्रारेड रेज आर यूज, इट इज लिमिटेड विद इन 100 फीट। इसका लिमिट 100 फीट तक का होता है। अप टू 10 Mbps बैंडविड्थ कैन बी सपोर्टेड, 10 Mbps तक का बैंडविड्थ ये सपोर्ट करता है। रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी यूजेज द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, यहाँ पे टीवी का जो रिमोट होता है वो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन यूज करता है। नेक्स्ट इज द लेजर, इन लेजर ट्रांसमिशन लेजर रेज आर यूज, यहाँ पे लेजर का रेज यूज होता है। रिसीवर एंड द ट्रांसमिटर आर इन द स्ट्रेट साइट ऑफ साइट, यानी यहाँ पे जो भी रिसीवर ट्रांसमिटर रहेगा वो एक लाइन में होना चाहिए। दिस कैन बी यूज फॉर लैन एंड द वैन ट्रांसमिशन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है नैरो बैंड रेडियो, इन नैरो बैंड रेडियो ट्रांसमिशन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज यूज फॉर ट्रांसमिशन, एक ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी रिसीवर ट्रांसमिटर होता है नीड नॉट पुट अलोंग अ डायरेक्ट लाइन, या अगर एक लाइन में अगर नहीं होते तो भी यहाँ पे चल जाता है। इसका जो रेंज होता है ये इंफ्रारेड से ज्यादा होता है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कैन टेक टू फॉर्म्स, टेरेस्ट्रियल लिंक्स एंड द सैटेलाइट लिंक। नेक्स्ट इन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर्स आर इन ऑन अर्थ बेसिस। जो भी अगर फर्स्ट अगर टेरेस्ट्रियल होता है यानी जमीन पे जो भी ट्रांसमिशन और रिसीवर जो होता है वो अर्थ पे ही होता है। टेलीफोन रिले टावर्स यूज दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी टेलीफोन के जो टावर्स होते हैं ये टाइप के कम्युनिकेशन यूज करते हैं। इन सैटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम सैटेलाइट्स आर 22,300 माइल्स अबव द अर्थ, जो भी सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैवलिंग जो होता है वो सैटेलाइट से थ्रू होता है। सिंस माइक्रोवेव ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस पीरियडिकल रिपीटर्स आर नेसेसरी, यहाँ पे जो भी रिपीटर्स है वो जरूरी होता है। अनलाइक रेडियो वेव्स एट लोअर फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेनेट्रेट द बिल्डिंग, वो पेनेट्रेट नहीं कर पाता बिल्डिंग का। नेक्स्ट इज द नेटवर्क टोपोलॉजीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड, किस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ नोड्स केबल्स कनेक्टिंग डिवाइसेस दैट मेक्स अप द नेटवर्क, यानी हमारे जो भी नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसके अंदर कंप्यूटर्स, उसके केबल, उसकी कनेक्टिविटी के डिवाइसेस, ये किस तरीके से फिजिकली अरेंज होते हैं या किस तरीके से दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन टोपोलॉजी। देयर आर टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज के अंदर टोपोलॉजीज डिवाइड होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब्स द एक्चुअल लेआउट ऑफ द नेटवर्क मीडिया, इट डिफाइन्स द वे द नेटवर्क लुक्स, किस तरीके से वो दिखेगा हमारा नेटवर्क, उसको बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब्स द लॉजिकल पाथ पाथवे अ सिग्नल फॉलोज एज इट पासेस अलोंग द नेटवर्क मोड, इट डिफाइन्स द डेटा पासेस अमंग द नोड। लॉजिकल के अंदर वो कौन से पाथ से और किस तरीके से सिग्नल्स को सेंड करता है,
that is called as an logical. Physical and logical topologies can be several forms. इसके अंदर मोस्टली कॉमनली यूज होता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी. ये चार टाइप के टोपोलॉजी जनरली यूज करते हैं. उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी के अंदर आपको पता है कि बस जिस तरीके से दिखती है, यानी एक लाइन से डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं उसके अंदर सेंड कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर वन से लेके कंप्यूटर टू, कंप्यूटर टू से लेके कंप्यूटर थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव एंड सो ऑन. इस तरीके से ये डेटा हम लोग ट्रेवलिंग कर सकते हैं. इन अ बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ कॉमन शेयर्ड केबल कॉल्ड एज एन बैकबोन ऑफ द नेटवर्क. ने एक ही लाइन से वो क्या करता है, एक ही वायर से वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है. अ बस टोपोलॉजी इज अवेलेबल फॉर ईच नोड टू सेंड इट्स डेटा टू ईच एंड एवरी कंप्यूटर नोड. यानी अगर मुझे डेटा यहां से अगर ये कंप्यूटर पर अगर सेंड करना है तो ये क्या करेगा, सभी कंप्यूटर्स के वाया वो जाएगा. मोस्ट ऑफ द बसेस ट्रांसमिट द सिग्नल इन बोथ द डायरेक्शन ऑन बैकबोन केबल एंड हेंस ऑल द वर्क स्टेशन आर एबल टू रिसीव द सिग्नल. बट सम बसेस आर यूनी डायरेक्शन एंड data is transmitted only in one direction of the backbone cable, hence only downstream devices can receive the signal. यहाँ पे generally एक ही वायर होती है, इसलिए ये क्या करता है both direction में data send कर सकता है. लेकिन कोई कोई इसके अंदर एक ही direction में क्या होता है, data send होता है और इस सभी चीजों सभी computers को ये signals क्या करेगा, transmit करेगा. The backbone cable carries the transmission message along the cable. All the message received at the workstation, it checks whether the destination address matches to its own or not. If not, it does no more and message goes to the next workstation. यहाँ पे हर एक कंप्यूटर पे मैसेज तो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये किसके डेस्टिनेशन का एड्रेस रहेगा, क्योंकि वो मैसेज के साथ में डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होता है. तो अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस के पास में अगर जाता है, वहां पे अगर उसको एड्रेस नहीं मिलता है तो नेक्स्ट नोड के पास में जाएगा. नेक्स्ट नोड के अंदर देखेगा कि ये इसका एड्रेस है क्या, अगर वो एड्रेस मैच हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ट्रांसमिट कर देगा. तो कॉमनली यूज ट्रांसमिशन फॉर बस टोपोलॉजी इज इथरनेट 10 Mbps. यहाँ पे जनरली यहाँ पे 10 Mbps इतना ये स्पीड प्रोवाइड करता है. एडवांटेजेस क्या क्या है, the bus system is much faster, the bus topology can extend with sub branches to form another network, breakdown of any failure nodes does not affect the other node communication, bus topology is widely used in local area network. Next is the ring topology. In ring topology, ring topologies are wired in circle. Each node is connected to its neighboring on other side and the data transmit along with the ring in one direction only. Each device incorporates a receiver and a transmitter and serves as a repeater that passes the signal on the next devices in a ring. The ring topology is shown in this figure. Ring topologies are suitable for networking that uses token ring pass access method. Token ring token passing around the ring and the nodes that holds the token can transmits the data. यहाँ पे ring topology के अंदर हर एक computer एक दूसरे के साथ में ring जैसे structure में connected होता है, जिसके अंदर वो एक कंप्यूटर क्या करता है, एक डेटा ट्रांसमिट करेगा, दूसरा जो कंप्यूटर रहेगा वो रिसीव करेगा और वही कंप्यूटर बाद में एक ट्रांसमिट करेगा. यानी ये दो काम करेगा, एक ही कंप्यूटर जो एक ट्रांसमिशन का काम करेगा और एक रिसीविंग का काम करेगा. ये नेटवर्क के अंदर एक टोकन रिंग सिस्टम यूज होता है जो ट्रांसमिटिंग करता है उसका डेटा. एक टोकन होता है जो नेटवर्क के अंदर घूमते रहेगा, जिसको भी डेटा सेंड करना होता है तो वो जो टोकन रहेगा वो एक कंप्यूटर उसको कैच करेगा, उसके अंदर का जो भी डेटा है उसको सेंड करना है
उसके अंदर उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस प्लस उसका डेटा वो क्या करेगा, नेटवर्क के अंदर सेंड करेगा, और वो नेटवर्किंग जो जो भी डिवाइस का जो जहाँ पे एड्रेस रहेगा वो टोकन वहाँ पे जाके रिसीव होगा और वो डेटा वहाँ पे कैरी करेगा। नेक्स्ट, दिस टोपोलॉजी इज ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड एज अ लॉजिकल टोपोलॉजी। एग्जाम्पल इन टोकन रिंग नेटवर्क द टोपोलॉजी इज फिजिकली स्टार टोपोलॉजी बट लॉजिकली इट इज अ रिंग टोपोलॉजी। जनरली ये जो टोपोलॉजी होता है ये लॉजिकल टोपोलॉजी है जो दिखने में तो स्टार की तरह रहेगा लेकिन वर्किंग एज एन रिंग करता है। द कॉमनली यूज इम्प्लीमेंटेशन फॉर द रिंग टोपोलॉजी इज 4 to 16 Mbps तक का ये स्पीड देता है। एडवांटेजेस है, केबल फेरियर अफेक्ट्स द लिमिटेड यूजर्स, ईच नोड में इक्वल हैज इक्वल एक्सेस स्पीड टू द रिंग, इक्वल एक्सेस फॉर ऑल द यूजर्स। डिसएडवांटेजेस है, कॉस्टली वायर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रिंग टोपोलॉजी, एक्सपेंसिव एडेप्टर्स and difficult connections are there. Next is the star topology. In a star topology, all the workstation are connected to a central hub. एक central hub से सभी के सभी systems connected रहेंगे. The hub receives the signal from the workstation and routes to it for the proper destination. A star physical topology is often implemented by implement bus and the ring topology. A star topology is shown. यहाँ पे generally ये जो star topology होती है ये bus और ring के logical topologies के अंदर आती है। ये इसका star topology का diagram। इसके अंदर ये एक central hub connected है, उसके बाद में ये number of computers जो ये एक दूसरे के साथ में connected है, plus एक router यहाँ पे connected है जो दूसरे network के साथ में connect करने का ये काम करेगा। एडवांटेजेस है, एडिंग अ न्यू वर्क स्टेशन इज इजियर देन द बस एंड द रिंग। यहाँ पे कोई भी एक नया नेटवर्क अगर लगाना है तो ये हम लोग ये हब के साथ में उसको लगा सकते हैं। द कंट्रोल इज सेंट्रलाइज ड्यू टू द यूज ऑफ हब। यहाँ पे जो भी कुछ वर्किंग रहेगा वो विद द हेल्प ऑफ ये हब रहेगा। डिसएडवांटेजेस है, हब फेल्यूर अफेक्ट्स ऑल द यूजर्स। अगर हब फेल हो जाता है तो सभी के सभी डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। हब्स आर स्लाइटली एक्सपेंसिव, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्स मोर केबलिंग देन बस एंड द स्टार रिंग टोपोलॉजी। केबलिंग भी यहाँ पे ज्यादा होता है, हेंस इस कॉस्ट इज मोर। थैंक यू।